वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम टाटा मोटर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो टाटा मोटर्स स्टॉक की बात की जाए तो आज गिरावट हो चुकी है। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सी गिरावट होते हुए नजर आ चुके हैं। 418 पे ट्रेडिंग कर रहा है, तकरीबन 19 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। 4% से ज्यादा गिरावट होते हुए नजर आ चुके हैं टाटा मोटर्स स्टॉक के अंदर। तो बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स स्टॉक के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आज के दिन का देख सकते हो 3,82,00,000 का टोटल वॉल्यूम है टाटा मोटर्स स्टॉक के अंदर का। और तकरीबन देख सकते हो गिरावट होते हुए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं करंटली 16,17,000 बाइंग के लिए क्वांटिटी है और 95 लाख जो है सेलिंग के लिए क्वांटिटी है। तो सेलिंग प्रेशर बहुत है यहाँ पे रिसेंटली देखा जाए तो। जो न्यूज़ की भी बात करेंगे तो न्यूज़ भी यहाँ पे आप देख सकते हो, तकरीबन टाटा मोटो फाइनेंस आर्म टू सेल लोन्स असेट ऑफ ₹14,500 करोड़। तो यहाँ पे आप देख सकते कि जो एसेट है वो यहाँ पे आप देख सकते कि लोन एसेट उसको सेल करने के लिए कर रहे टाटा मोटर्स फाइनेंस में। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि द बोर्ड ऑफ टाटा मोटर फाइनेंस एंड टाटा मोटो फाइनेंस सोल्यूशन द इन हाउस इन फाइनेंशियरीज ऑफ टाटा मोटो व्हीकल्स हैव अप्रूव्ड प्लान्स टू सेल पार्ट ऑफ देयर लोन एसेट्स रिसीवेबल अप टू ₹12,000 करोड़ एंड 2,500 करोड़ रिस्पेक्टिवली थ्रू सिक्योरजन। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्स करने वाले एसेट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स का यहाँ पे चार्ट भी देखा जाए तो टाटा मोटर्स का चार्ट देख सकते हो। तकरीबन जो सपोर्टिव लेवल थे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 430 लेवल उसको ब्रेकआउट दिया है आज के दिन में और रिसेंटली नीचे ट्रेडिंग कर रहा है। तो करंटली देखा जाए तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के पास आता है ट्रेडिंग करते हुए 400 लेवल के पास। तो बाउंस बैक होने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं टाटा मोटर स्टॉक के अंदर। तकरीबन यहाँ पे टाटा मोटर स्टॉक बाउंस बैक होता है वो लेवल से तो एक अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो अभी टाटा मोटर स्टॉक करंटली देख सकते हो कि 400 लेवल से बाउंस बैक होने के चांसेस दिखाई दे रहे। तकरीबन वो लेवल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज भी डेली चार्ट पर हमें और वहाँ से बाउंस बैक भी हो सकता है इजिली। तो यहाँ पे बाकी के डिटेल देखे जाए तो यहाँ पे आप देख रहे टाटा मोटर का मार्केट कैप में गिरावट हो चुका है। 1,49,000 का मार्केट कैप हो चुका है और तकरीबन 500 लेवल के पास ट्रेडिंग करने वाला स्टॉक करंटली 419 पे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आया है। तकरीबन यहाँ पे आप देख रहे कि आरओई भी माइनस में, ईपीएस भी माइनस में यहाँ पे करंटली देखा जाए तो टाटा मोटर स्टॉक के। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान में लीजिए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग सेशंस अहेड।